Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। तप की साधना पूर्ण होने पर अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के समन्वित रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को लौकिक सृष्टि की रचना का आदेश दिया। सृष्टि के पालन का दायित्व विष्णु को दिया गया। शिव शक्ति ने स्वयं अवतार ग्रहण करने का मंतव्य भी प्रकट किया। ब्रह्मा के द्वारा विभिन्न रूपों में सत, रज एवं तम त्रिगुणात्मक सृष्टि की लौकिक रचना हुई। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक की रचना के साथ साथ देव, दानव और मानव का भी निर्माण किया। रचना के इस क्रम में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया। सप्तर्षि मनु, शत्रुपा, कामदेव, नारद, संध्या और दक्ष। दक्ष की अहंकार पूर्ण मुद्रा ने ब्रह्मा को भी विचलित कर दिया। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मदेव अपने मूल रूप में ही रहे, किंतु भगवान शिव के वरदान स्वरूप रचना क्रम को संतुलित रखने के लिए उन्हें सामान्य रूप धारण करने की सुविधा भी प्राप्त थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परानदं विहितं अविहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को
मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण, अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणिग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देव गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरिणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति ये वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन वचन कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर दिया और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। Bye.
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवन पति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर के शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण, मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा? आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव, महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते हैं। किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती। परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए देवादिदेव, समय समय पर हम आपके दर्शन करते। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव। एक ओर त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल
और बहते जल से थिरकती हुई रति पर पुष्प धनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही? तुम यहां मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हां भी और नहीं भी? नहीं। तुम हां कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा, अभी अब जाइए ना। जाऊं?